अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आप देख रहे हैं खुर्शीद राजपूत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही दुनिया की किसी भी जगह को कैसे चेक कर सकते हैं कि फलां जो बिल्डिंग है वो कितने मरले में बनी हुई है या फलां बंदे के पास कितनी जगह है। दोस्तों बग़ैर उस जगह पर जाए आप अपने मोबाइल से ही उस जगह को चेक कर सकते हैं कि वो कितने मरले है या कितने फुट है। दोस्तों ये सारी ही डिटेल आपको गूगल के ज़रिए मिल जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये सब कुछ कैसे चेक करना है, या आप किसी अपनी ही ज़मीन को चेक करना चाहते हैं कि हमारा फलां जो खेत है या फलां जो घर है वो कितने फुट में है या कितने मरले में है, तो आप अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जब आप इसे ओपन करेंगे एप्लीकेशन को तो आपके सामने इस तरह शो हो जाएगी। ये दोस्तों पहले नंबर पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा GPS एरिया कैलकुलेटर, यानी कि आप अपने मोबाइल से GPS के ज़रिए एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। ये दोस्तों गूगल के ज़रिए जो है सारा डेटा लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी जगह को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये मेरे सामने एक जगह शो हो रही है जिस जगह पर अब मैं मौजूद हूँ। दोस्तों इसे मैंने थोड़ा सा जो है ब्लर कर दिया है। आपने करना कुछ यूँ है कि जिस जगह को आपने चेक करना है, आपने ये जो ऊपर सर्च का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने वो जगह सर्च कर लेनी है या आपके आसपास या अपने शहर का नाम सर्च कर लेना है। जैसे मैं सर्च करता हूँ शेखपुरा का हिरन मीनार, और मैं फ़र्ज़ करें चेक करना चाहता हूँ कि हिरन मीनार की जो जगह है वो कितनी है। तो मैं इधर लिखूँगा हिरन मीनार, तो ये देखें मेरे पास हिरन मीनार जो है मेरे सामने आ गया। और अब मैं इधर से चेक करूँगा कि इसकी जो जगह है कितनी है। यहाँ दोस्तों ये देखें, ये सारा हिरन मीनार का नक्शा मेरे सामने आ चुका है। ये कार पार्किंग है उनकी, ये हिरन मीनार कार पार्किंग, इसके अलावा ये हिरन मीनार पार्क, ये सारी डिटेल मेरे सामने आ चुकी है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो सेंटर वाला तालाब है ये कितनी जगह में बना हुआ है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है तीन ऑप्शन आएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ ये एरिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये जो सेंटर वाला है इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि वॉकिंग और मैनुअली। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ कर ये वॉकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल कैलकुलेट करता रहेगा कि ये कितनी जगह है, और मैनुअली अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने शो होगा। ये दोस्तों आपके सामने ऐड आ सकता है, ऐड को आपने बैक का बटन दबाकर कट कर देना है। उसके बाद आपने जो है आप जिस जगह का चेक करना चाहते हैं कि ये कितने मरले में है, आपने उसकी एक नुक्कड़ पर इस तरह टिक करना है, उसके बाद दूसरी नुक्कड़ पर टिक करना है, उसके बाद दोस्तों इस तरह तीसरी नुक्कड़ पर टिक करना है, उसके बाद चौथी नुक्कड़ पर। ये देखें दोस्तों जो सेंटर वाला हिस्सा है जिसे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जो तालाब सेंटर में बना हुआ है उस पर मैंने टिक किया तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया। ये देखें दोस्तों ऊपर छोटा सा कि आप किस तरह चेक करना चाहते हैं। ये दोस्तों एकड़ के हिसाब से कितने एकड़ है, ये दोस्तों 14.38 एकड़ है। उसके अलावा दोस्तों स्क्वायर मीटर के हिसाब से, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, ये पर फुट के हिसाब से, उसके अलावा पर यार्ड के हिसाब से और पर माइल के हिसाब से। अब जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपके पास डाटा आ जाएगा। अब दोस्तों फ़र्ज़ करें आप किसी घर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे ये फ़र्ज़ करें इधर पास ये हमारा कोई घर है। जैसे इधर से मैं एक जो घर है उसे जूम कर लेता हूँ। आपने दोस्तों अपने घर के करीब जो भी मशहूर जगह होगी उसे सर्च कर लेना है। जैसे फ़र्ज़ करें दोस्तों ये जो घर है ये हमारा है, ये वाला। दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ ये जो नीचे साथ ही एक बना हुआ है ये ईंटे बनाने वाला पट्टा, जैसे फ़र्ज़ करें आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये पट्टे की कितनी जगह है, उसी तरह आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है सेम, और ये एरिया के ऑप्शन पर और मैनुअली के ऑप्शन पर, और इस तरह चारों कोनों पर इस तरह आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है ये ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपकी जगह बिल्कुल इस तरह सीधी नहीं है, ये नुकरे नहीं बनी हुई, तो आप मैनुअली कहीं भी टिक जो है कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों इसे इस तरह आप जो है नुकर से पकड़कर जो है एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना एरिया आपका है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह दोस्तों मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।